बकरी तैयार की जा रही। ये है बरेली की। यूट्यूबर पानी पूरी वाली। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि आज की ही ट्रेन थी हम लोगों की अमेठी जाने के लिए। तो बरेली टू अमेठी हम लोग जाने वाले थे, बिकॉज इट्स बकरा ईद, तो हम लोग बकरा ईद मनाने जा रहे थे मेरे ससुराल। तो यस, यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी, इससे पहले मैं गई थी थोड़ी सी कपड़ों की शॉपिंग करने घर वालों के लिए, तो उसका कोई व्लॉग ही शूट नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग शूट करना चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग मिठाई लेने गए थे, मैंने कहा कि चलिए ले लेते हैं। पापा से मैंने स्पेशली पूछा कि क्या लेना है, ऐसे ग्रुप पे मैंने मैसेज किया था तो सब ने बताया, बट पापा ने बोला कुछ नहीं, बस बरेली की बर्फ़ी लेकर आना। तो हम लोग उसी के लिए गए। और हम लोग घर वापस आ गए और खाने में था बिरयानी, तो बहुत जल्दी जल्दी में हम लोगों ने डिनर किया, क्योंकि हमें तुरंत ही निकलना था स्टेशन के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब सारी चीज़ें लेते हुए, शॉपिंग करते हुए, इसलिए फटाफट सारी चीज़ें की, सब सामान बाहर निकाला और ये हम लोग आ गए ट्रेन में। तो बाय बाय करते हुए बरेली को हमने हेलो किया अमेठी को, और फाइनली हम लोग आ गए अपने देश, अपने घर। तो यहाँ पर लड़कों की भी बकरा ईद की तैयारी चालू हो गई है। वाह, तैयार किए जा रहे। करने से पहले बहुत। अब मीना सोच रहा मेरा भी हो जाए। अपॉइंटमेंट ले किया कहीं ना। कस के नहीं रगड़ना। अच्छा, इसमें नहीं आ, अच्छा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है एकदम, मतलब दूर से दिख रहा है सही में। ग्लो देखो, ग्लो, ओ माय गॉड, रात वाला ग्लो नहीं, सही में कितनी टैनिंग थी इधर। मेहंदी लग चुकी है। पापा आपके लिए कुछ आया है। क्या है भाई? बरेली बर्फी। देखो कैसी है, अभी हमने भी देखा नहीं कैसी है। अच्छा, मेरी जिठानी आई है न्योता देने भाई, बकरा ईद की। ये बरेली की बर्फी नहीं है, ये क्या था शोएब, इसका नाम क्या था? बाल मिठाई है। क्या, कौन सी मिठाई है? बाल मिठाई। बाल तो मैं हूँ ना, मेरी मिठाई है। हाँ खिलाओ उनको, खिलाओ नाना को। हाँ मौसी, मौसी को। बाल तो मैं हूँ ना। बरेली झुमका कहाँ है? झुमका ये है बरेली की। वाह। हाँ ला रही हूँ दो जरीना। हाँ ये तो भाई हमारी मेहंदी लग गई है ऐसी, और इस वाले पे अभी गोला डिजाइन लग रहा है, देखते हैं कि कैसा बनता है। साइड में इंस्पिरेशन लगा दूंगी कि कैसा दिख रहा है ये, मतलब कैसा सोचा है लगाने का। तो जी मेरी मेहंदी कुछ ऐसी लग रही है, और आगे यहाँ पर मेहंदी नहीं लगी अभी, क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी शोएब मेहंदी लगाऊंगी। क्यों? मैं तो पहले से ही कह रहा था। अच्छा, और क्या, मैं एक हाथ में लगाऊंगा दूसरे हाथ में अपने आप लग जाती है, मेरी ट्रिक है वो। सच में मॉर्निंग, और आप सभी को बकरा ईद बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मेहंदी कुछ ऐसी लग गई थी, इधर नहीं लग पाई थी। लेट मी शो यू दिस हैंड, ऐसी रची है।
और हमारे यहाँ सब लोग नहा लिए हैं, जो भी आदमी हैं वो लोग चले गए हैं नमाज़ पढ़ने, बाकी की सारी अरेंजमेंट्स हो रही हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या हो रहा है और क्या क्या बन गया है अभी तक। तो ये बन गया हमारे यहाँ सेवई, ये है नॉर्मल दूध वाली सेवई है। नेक्स्ट बनी है ये वाली सिसके मामी सेवई, और बाकी आइटम जो बनेगा वो कुर्बानी के बाद बनेगा। तो अभी हम लोग होने जा रहे हैं रेडी। इससे पहले मैं ये शीट मास्क यूज़ करने वाली हूँ, दिस इज़ फ्रॉम मामा अर्थ। इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड प्लम्प हो जाती है स्किन एंड मेकअप करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाती है। और बेस के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ आज फॉरएवर 52 का प्रोफेशनल लिक्विड फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड था लाइट बेज जो कि परफेक्टली जाता है मेरे स्किन टोन से। और ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट कंसीलर, मिलानी का ये कंसीलर है। तो बहुत ही अच्छे से कवरेज देता है, कोई भी लुक शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, बट प्रोडक्ट दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कि आप मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। डर्माको का ये सनस्क्रीन है, इसके साथ आईलाइनर है मेरा बरसों पुराना मेबलिन का, इसके ऊपर हट भी गया है मेबलिन कोलोसल आईलाइनर। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय द वे दीज प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम अमेज़ॉन, एंड वहाँ पर स्टार्ट हो गई है मेगा फैशन डेज फ्रॉम 5th to 9th of July। तो अप टू 70% तक का ऑफ मिलेगा ऑन टॉप फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ लिपस्टिक के लिए, थोड़ा सा लाइट और शेड यूज़ करूँगी। इसके साथ मैं यूज़ करूँगी एक डार्क शेड का लिप लाइनर। पता नहीं क्यों लिप लाइनर के साथ लगाने का ना मेरा बहुत दिल करता है दिस थिंग, मतलब इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मार्स का ये नॉर्दर्न लाइट्स इन अ पैन, इट्स अ मल्टी क्रोम आई शेडो, और इसमें मैंने दो शेड्स लिए हैं, एक मार्स का है और एक है आई थिंक चामसी मिलानो का, वो ग्रीन शेड है और ये है पिंक कलर का। तो एक साइड से देखिए आप पिंक दिखेगा, एक साइड से ये ग्रीन दिखेगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको लगाने के लिए। एक्चुअली मेरा जो ड्रेस है वो भी ग्रीन शेड है, तो देखते हैं कि कैसा लगता है फुल लुक। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं इसको रिक्रिएट करूँगी बहुत जल्दी, तो मुझे ज़रूर बताना अगर आपको देखना हो फुल लुक कैसे मैंने रिक्रिएट किया था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है मुझे और तीन चार जगहों पे भी जाना है। तो यस, दीज आर दी प्रोडक्ट जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ, और भी इधर उधर की दो तीन चीज़ें होंगी जैसे कि पाउडर, सेटिंग पाउडर्स वगैरह, तो यस वो भी एड ऑन हो जाएंगे। तो सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट देयर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओह माय गॉड, ये क्या और एकदम मतलब प्रो वाला हम तो घूम रहे हैं भाई, अच्छा अंधेरा था थोड़ा सा। तो गाइज हम हो गए हैं रेडी, एंड मैंने पहना ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस है जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, एडी सेट का, लुक सो सो प्रिटी। एंड रेडी हो गए आप? रेडी और क्या ये एंड आप सभी को हमारे और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। एंड दिस इज आवर फुल लुक, अभी हम लोग अपना फुल लुक दिखा देंगे। ये लूज, ये जो सूट है थोड़ा लूज है तो इसमें मोटी दिख रही हूँ, अदरवाइज मैं हूँ नहीं इतनी बिल्कुल भी मोटी नहीं आ रही ना, मैं बिल्कुल भी आ रही हूँ देवरानी दिखाने वाला करो, ये नहीं होता है मतलब स्लैश करो, देवरानी दिखाने वाला करो, बहुत बढ़िया आ गया। उसके बाद अब करो बहन बहन वाला, यूट्यूबर पानी पूरी वाली, यूट्यूबर पानी पूरी वाली थोड़ा तीखा लगाना मेरा, लाल मिर्च इतने से दिल्ली में मिलती है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, कटोरी और कहाँ गई? पुश्तैनी टिकिया खाई जा रही है यहाँ पे, हमारे फैमिली टिकिया।
फैमिली टिके वाले पुस्तैनी टिकिया जाएगा। इतने बड़े बड़े भगवान में खाना बन रहा है आज। अरे कहीं आए जाए। अच्छा ठीक है, बन गया। आज औरतों को सबको छुट्टी मिली हुई है, आज सारे आदमी काम कर रहे हैं। मामा मैं भी हूँ। अभी किसी को नहीं मिली है, नहीं मिली है कुछ इंसान का, हमको नहीं मिली का जो दिन है वो कुछ इसी तरीके से गुजरा। एंड आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों की ईद कैसी गई। तो यस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।